तो हम जा रहे हैं जी, बेटी मेरी का है आज बोर्ड का एग्ज़ाम और सेंटर, क्योंकि ज़ाहिर है अपना स्कूल तो नहीं बनता तो सेंटर भी हमने ढूंढना है। और एंग्जाइटी है हफ्सा को काफ़ी और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है कि पहली दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में अपीयर होना है। अच्छा, बोर्ड के एग्ज़ाम में होता कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा अनयूजुअल नहीं होता, लेकिन बस उसकी एक हाइप होती है कि पता नहीं बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें क्या होगा, क्योंकि एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है बच्चों का पहली दफ़ा। तो होपफुली आज पहला पेपर देगी तो उसके बाद ये एंग्जाइटी भी ख़त्म हो जाएगी। बेटी को मैंने छोड़ दिया है सेंटर में, उसकी फ्रेंड्स मिल गई थी वहाँ पे और काफ़ी सारे वालदैन और गाड़ियाँ यहाँ पे जो है वो आई हुई हैं, और क्योंकि अपना स्कूल नहीं होता तो लोग ज़रा कंसर्न्ड होते हैं बच्चों के बारे में। तो चलिए अल्लाह ताला बेहतर करे सब बच्चों के लिए। कैसी हुई पार्टी? बहुत अच्छी। ज़ैनब तो थकी हुई थी। कैसा हुआ? देखा, मैंने कहा था ना बहुत अच्छा होगा। बस दो एमसीक्यू से गलत हो गए। कोई बात नहीं, दो एमसीक्यू से कुछ नहीं होता, पेपर तो अच्छा हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। पिछला क्लिप था जी फ्राइडे का, जब हफ्सा का पहला बोर्ड का एग्ज़ाम था, मैं उसे छोड़ने गई वापसी पे। बड़ी एंग्जाइटी थी लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पहला पेपर बहुत अच्छा हो गया। अब दुआ करें सब लोग के बाकी पेपर भी बहुत अच्छे हों। और ये है सैटरडे की वीडियो। सैटरडे को थी हमारी ईद मिलन पार्टी अपनी कॉलोनी में, जितने ही हमारे कोलीग्स रहते हैं उन सब की हमने एक गेट टुगेदर अरेंज की हुई थी। लास्ट ईयर भी हमने की थी, वो वन डिश पार्टी थी। इस दफ़ा हमने खाना बाहर से बनवाया था। पिछली दफ़ा हमने यहाँ पे जो कॉलोनी के अंदर कम्युनिटी सेंटर है उसमें अरेंज की थी, लेकिन इस दफ़ा मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं उनके घर पे अरेंज की और बहुत ही ज़बरदस्त रही। अच्छा, ये खोला नहीं है, ये पहले गांव में बहुत होती थी दीवारों पे लोगों, ये देखे ना हैंग करने वाला साथ, ये भी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे लटकाते हैं, ये लटकाते हैं लोग। मेहंदी के कपड़े आए थे ना इसमें, इस तरह बड़े आया था, ट्रेन नुमा बना हुआ था ना, ये बहुत मेहंदी का सामान इसमें आया था ना, ये इस तरह बहुत अच्छा। अच्छा, ये प्लास्टिक की है? मेरे माँ जी, नहीं ये कोई चीज है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद ये बीच में प्लास्टिक है जो बुनी हुई, नहीं भाभी ये जो पीला पीला है ये तो प्लास्टिक की नहीं है, ये डोरी सी ये वाली। अच्छा, हो सकता है, मुझे लग रही है, पता नहीं, ये प्लास्टिक है, ये जो नहीं ये पीला है, पीला प्लास्टिक, ये बोरी है, बोरी है, बोरी नहीं होती, थोड़ा जो होता है ना तो वो प्लास्टिक ही होता है ना, प्लास्टिक का स्पेशल। आप कह रहे हैं उधर तालिबान वैसे भी आए हैं। नहीं, हम चुप, इनकी बना रहे हैं चीजों की, ये हमारे घर में हर बंदा जो भी आता है ये जिसे मिलती है ये पीछे ये गाड़ी में फेंकते हैं। आपके पास वो चीजें हैं जिनकी कदर ही नहीं है आपको, देखें लाओ लाओ, आज का ये मेरी हो गई। भाभी आपको जो चाहिए आप रख ले, दूसरी मुझे दे, जो आपको अच्छी लगे वो आप ले। साथ कुछ दिए दूंगा आड़ू से भर के दी। नहीं बेटे, फातिमा कह रही है मैंने दिखाई है, इन्होंने रखी ली है। फातिमा ये रखो बेटे, जाते हुए देना। इधर आओ, तुम्हारे बाबा की बनाए, इनको तो गांव से नहीं निकालेंगे ना। ये दो मिसाले डाल देते हैं ना, ठीक है मैं डालूं, आप डाल लेते हैं, बस मैं डाल दूंगा, ऊपर से तरी भी डालिएगा। शक्ल तो बड़ी अच्छी है। चश्मी साहब को रात से तब कर रहे थे।
बस बहुत तेल भी ना डालें ना, बिल्कुल तेल ही तेल ना हो जाए। शक्ल तो बड़ी प्यारी है। अब ये जर्दा है, इसमें डालें छोटी वाली में भाई, वो मेरे मियाँ तो मिक्स करके खाते हैं, वो मिक्स करके खाते हैं, वो तो जर्दे पे ही सालन डाल के खा लेंगे। बाद में तो जर्दा खाया कोई नहीं इतना ज्यादा जाना, अभी भी खाते ले गए, ले गए फरहाद भाई, दो डोंगों में ले गए यार, वो बच्चों को बुला लेते हैं भाई, खुद ही ले जाए ना, एक ले जाए फिर और भाग, हां सही, टेंशन भी ना हो, टेंशन भी ना हो ज्यादा, हां बस मोटा का बच्चे लेकर आपस में कुछ भी आओ तेरे ज्यादा, हां बहुत अच्छा, पंखा थोड़ा आहिस्ता लगाना, रोटियां ठंडी हो जाएंगी, बहुत मजा गुस्सा के नहीं बंद का पीपी खदीजा, पीपी जगह दे, बैठो बैठो बैठो, हम ना थोड़ी क्लोज हो बेटे, कल पूछ रही थी ना कि तो हफ्सा का पेपर कैसा हुआ, मैंने कहा कह तो रही है अच्छा हुआ, दो एमसीक्यूज कह रही है गलत हो गए, कह रही चलो कोई बात नहीं दो की कह रहे, कौन कह रहे हैं, कह रही है आपने तायरा आंटी को बता दिया मेरे दो एमसीक्यूज, आपको पता तायरा आंटी है ना उनके पेट में कोई बात नहीं, कहती आप हर बात तायरा आंटी को बता दो। बच्चे और मर्द हजरात घर में थे, खाने के बाद सारी खवातीन ने एक लंबी सी वॉक की, बहुत दिल खोल के हंसे हम, बड़ा मजा आया, बहुत ही इंजॉय किया। खदीजा की वीडियो बन रही, आंटी वीडियो बना रही है, शेम शेम करेंगी बाद में, सॉरी मैंने कहा नहीं खाती, क्या हो गया चूड़ा काका, अच्छा नाराज हो गई, बस करो ना, बाबा के पास आपको छोड़ के तो गई हूँ, बाबा ने बस जाना है बेटा, अच्छा बस वो बाबा लोग उठे ना, थक गए लगाई हमारा टमाटर, कह रही है टमाटर का गिफ्ट, ये ऊपर चंगेर जो है ये गिफ्ट है, सबसे अच्छी चीज तो ये है, आजकल तो सबसे महंगी प्याज टमाटर, दोनों हाँ बेटा चलो, ए गड्डी का लॉक खोलो ना जरा, चीजें रखनी है डिग्गी, आओ ज़ैनब आ जाओ, अच्छा तो बच्चे भाई, लेकिन अल्टीमेटली आपको मुझे तो लगता है अपने ही घर में सुकून आता है ना, मुझे बचपन से ही ऐसा, ये जो है ना जा भी रहे थे तो कहती है मामा मैं गांव भी जाती हूँ लेकिन मुझे अपने घर में मजा आता है, ये कहती है अपने घर में कौन सा मजा होता है, अपने घर में पता नहीं किसको मजा आता है, वापस आ रहे तो हफ्सा कहती मामा शुक्र है अपने घर जा रहे हैं, ये मैं क्या बेटा खुश होके जाए, मैं जिते जाओ उतने खुश होके निकलो, भी खुशी ना ले की होया, रोन तो होते फिर ऐसे दिल अगलों का भी खराब होता है ना, रोते हुए बच्चे निकले हैं तो वो भी मतलब कभी वो माँ जी कहें भाई एक दिन और रुक जाओ, मैं क्या रुकांगे भी तो कल नू फिर जाना है ना, तो अभी यही फिर वही काम करना है, जैनब ये कब छोटी होगी, नहीं 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 हाय अल्लाह आंटी, जैनब को छोड़ दो, 6 महीने, जैनब इतनी फेवरेट है, मैं 6 महीने से वर्क करते हैं उन्हें पता है, 6 महीने, हाय हाय हेलो कैमरा, ओ देखो जी हेलो कैमरा, उन्हें पता है ना व्लॉग छाना, वैसे टिपिकली खवातीन की आदत होती है कि बाहर दरवाजे से, यास साहब की वाइफ ने यही बात की ना, कहती हैं वैसे औरतें इस मामले में बदनाम होती हैं कि दरवाजे पे निकल के और बातें शुरू कर देती हैं, कहती हैं यहाँ तो मर्द हज़रात ने देख लिया कि हम आ गए हैं फिर भी बातें किए जा रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट तो नहीं होगी, पढ़ाई भी खा ली है, बिरयानी भी खा ली है, आखिर में क्या होगा, 3,000 यही है तायरा, अच्छा सॉरी मैंने समझा तायरा आंटी गाड़ी।
अस्सलाम वालेकुम जी, आज है संडे और मैं अभी लास्ट जो क्लिप है वो अभी शूट कर रही हूँ। रात में बहुत देर हो गई थी हमें आते हुए और फिर ताहिरा और बच्चियाँ हमारी तरफ आ गईं। वो लोग काफ़ी देर बैठे रहे यहाँ पे, तकरीबन 1:30 बजे के करीब उठ के घर गए, दोबारा चाय वाय बनाई, पी, गपशप लगाई। उसके बच्चे जब आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं हमारे घर पर ज़्यादा देर रुकने के लिए। तो बच्चियों ने बड़ी ज़िद की कि हमने आंटी के घर जाना है, तो वापसी पर फिर वो इधर आ गए। फिर बहुत देर हो गई थी, फिर मैं लेट गई, उसके बाद बहुत थकावट हुई हुई थी, लेकिन फंक्शन बहुत ही अच्छा था। तो बहुत ज़्यादा जो वीडियो है वो नहीं शूट कर सकी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, फिर क्लिप्स बनाना जो है वो ज़रा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि जितना मैक्सिमम जो है वो मैं कैप्चर कर सकती थी वो मैं करूं। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।